Good afternoon. How are you all doing? I hope you all are doing good. पढ़ाई चल रही है नहीं चल रही है, क्या चल रहा है बताइए मुझे. हाँ जी. सो आज हम स्ट्रिंग हम लोग पढ़ रहे थे, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन. स्ट्रिंग मैं आप लोगों को बता चुकी थी क्या होती है, उसको कैसे हम ट्रेवर्स करते हैं. एक प्रोग्राम मैंने आप लोगों को बताया था, प्लस मैंने आप लोगों को स्ट्रिंग के ऑपरेशंस बताए थे कि दो बेसिक ऑपरेशंस हमारे स्ट्रिंग के होते हैं. एक होता है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, प्लस एक होता है स्किन रेप्लिकेशन इज मल्टीप्लाई. प्लस कॉन्कैटिनेशन मतलब दो चीजों को जोड़ना, रेप्लिकेशन मतलब उसी की कॉपी बनाना. ठीक है, सो सिंपल वही चीज है. अब स्ट्रिंग क्या होता है आपको पता ही है. अब स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेशन करना मतलब दो अलग स्ट्रिंग्स हैं और उनको इकट्ठे जोड़ना है. मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल टी और पॉट का दिया था. एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर हमने टी डाल दी स्ट्रिंग, एंड बी वेरिएबल लिया, उसमें हमने पॉट एक स्ट्रिंग एंटर करा दी. एक और वेरिएबल ले लिया जिसमें हमने इन तीनों इन दोनों को टी और पॉट को कॉन्कैटिनेट कर दिया. फाइन. प्लस वीडियो वो इनकम्प्लीट थी, इनकम्प्लीट ऐसे वो मैंने जब वीडियो अपलोड करी तो वो वीडियो ट्रिम हो गई, किसी ने बताने की कोशिश नहीं करी एक्सेप्ट रवि, बता दिया करो भाई. चलिए, सो नेक्स्ट हम लोग करेंगे रेप्लिकेशन. मैंने उसके बाद कॉन्कैटिनेशन में गलती से मल्टीप्लाई के लिए ये साइन डाल दिया था, तो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट. तो कॉन्कैटिनेशन इज प्लस एंड रेप्लिकेशन इज मल्टीप्लाई, मेकिंग अ कॉपी ऑफ अ सेम थिंग. ठीक है, जैसे मैंने एक स्ट्रिंग दे दी, ठीक, और मैंने यहां पे, तो ये मुझे क्या आउटपुट देगा, ये इसी को, ठीक है, इसी को क्या करेगा उतनी ही टाइम मल्टीप्लाई कर देगा, मतलब उसकी उतनी ही कॉपी बना देगा. मैंने यहां पे दिया ये नंबर, स्ट्रिंग दे दी यहां पे, सेम चीज होगी, फाइव टाइम्स ए को कॉपी कर देगा, थ्री फोर एंड फाइव. फाइन, मतलब जो भी चीज मैंने स्ट्रिंग में दी होगी उसके बाद मैंने उसको कितने टाइम्स मुझे वो मल्टीप्लाई करनी है, रेप्लिका बनानी है वो, और उसके बीच में ये ऑपरेटर डाल दिया. सो दिस इज हाउ वी क्रिएट अ रेप्लिका और वी डू अ रेप्लिकेशन ऑफ अ ऑन अ स्ट्रिंग. फाइन. सो नेक्स्ट अब हम लोग जो करेंगे वो करेंगे, हम इसके अंदर मेंबरशिप ऑपरेटर आता है, दो ऑपरेटर्स रहते हैं, एक नॉट इन एक इन. इन नॉट इन, इन मतलब मैं बता चुकी हूं पहले आप लोगों को, इन मतलब है, नॉट इन मतलब उसके अंदर नहीं है, किसी चीज के अंदर, अब किसी रूम के अंदर हमें किसी चीज को फाइंड करनी है तो क्या बोलेंगे, इन. अगर वो नहीं है नॉट इन, सिंपल वही है. ठीक है, जैसे कि मैंने दे दिया ए इन हाय, वो क्या करेगा, क्या ए नाम का ऑपरेटर, ए जो हमारा कैरेक्टर है, इन इसके अंदर है कि नहीं है. अगर है तो रिजल्ट देगा ट्रू, बट यहां नहीं है तो रिजल्ट देगा फॉल्स. सो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो रिजल्ट आता है यूजिंग इन और नॉट इन वो ट्रू और फॉल्स में आता है, मतलब बूलियन में आता है. अगर आपको ये पर्टिकुलर कैरेक्टर इस स्ट्रिंग के अंदर मिल गया तो वो उसको ट्रू दे देगा, और अगर नहीं है तो वो उसको फॉल्स दे देगा. एक और एग्जांपल देखिए, क्या आएगा, ट्रू. हाँ जी है, ठीक है. नेक्स्ट एक देखिए, वन टू थ्री नॉट इन ए बी सी, मतलब क्या ये चीज इसके अंदर नहीं है, नहीं है ना, तो ये इसको क्या देगा, ये इसको देगा ट्रू. ध्यान दीजिए कि इन उसके अंदर है तो ट्रू, और अगर हमें ये फाइंड आउट करना है
कि इसके अंदर ये नहीं है तो वो हाँ जी नहीं है तो वो उसको ट्रू देगा। एक और एग्जांपल देखिए, 1 2 3 नॉट इन, 1 2 3 4 5 ठीक है, क्या ये इसके अंदर है, क्या ये इसके अंदर नहीं है, नहीं इसके अंदर ये है। देखिए अगर यहां मैंने इन होता तो ये क्या आउटपुट देता है, ट्रू। अब मैंने उसको कहा कि इसके अंदर ये नहीं है लेकिन ये तो है, तो क्या आंसर देगा, ये देगा फॉल्स। समझे, मतलब मैंने कहा इस क्या ये इसके अंदर नहीं है लेकिन ये तो है, दैट्स व्हाई फॉल्स। अगर मैंने ये कहा क्या ये इसके अंदर है, हाँ जी है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा सबको। अब हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एन इंटीजर एंड चेक इफ इट कंटेन एनी जीरो इन इट। मतलब अब हमें एक प्रोग्राम लिखना है, हमें ये चेक कराना है कि जो हम इंटीजर यूजर से ले रहे हैं, चेक इफ इट इज कंटेन्स एनी जीरो इन इट, यूजर से ये चेक कराना है इन, मतलब कि क्या वो उसके अंदर है कि नहीं है, सॉरी क्या वो उसके अंदर है, इन इज व्हाट, क्या वो उसके अंदर है। क्या है प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एन इंटीजर एंड चेक इफ इट कंटेन्स एनी जीरो इन इट। मतलब इन का एक प्रोग्राम हमें बनाना है, हमें एक प्रोग्राम यूजर से एक इंटीजर एंटर कराना है और हमें चेक करना है कि क्या उसके अंदर जीरो है कि नहीं है। आप देखिए इंटीजर एंटर कराना है मतलब इंट इनपुट, एंटर एन इंटीजर, हम यूजर को बोल रहे हैं कि वे अपना इंटीजर जो है वो नंबर को एंटर करिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी बताने जा रही हूं, अब ये तो हमने यहां करा है इंटीजर एंटर, बट नीचे हमें क्या करना है, इन ऑपरेटर यूज करना है। इन ऑपरेटर किसमें यूज होता है, स्ट्रिंग में यूज होता है। तो जो भी हम यूजर से यहाँ इंटीजर एंटर करा रहे हैं, अब हमें उसे स्ट्रिंग में पहले कन्वर्ट करना होगा। क्यों करना होगा, क्या हम इंटीजर को एज अ, अगर हम किसी भी इंटीजर के ऊपर इन ऑपरेटर यूज करेंगे तो वो हमें आंसर नहीं देगा, वो हमें एरर देगा, ठीक है। एंटर तो हम यूजर से इंटीजर करा रहे हैं लेकिन हमें उसे स्ट्रिंग में पहले कन्वर्ट करना होगा इफ यू वांट टू चेक जीरो इन इट। अगर हमें चेक करना है कि इस स्ट्रिंग के अंदर जो इंटीजर यूजर ने एंटर करा है उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। अब उस स्ट्रिंग के अंदर हम चेक करेंगे कि क्या उस स्ट्रिंग के अंदर जीरो है कि नहीं है। अब वो हम कैसे करेंगे, मैंने एक वेरिएबल ले लिया b इक्वल्स टू str, ये याद रखिएगा, ये आगे भी काम आएगा। सो वी कैन से दैट कि यहाँ पे हमने एक नई चीज सीखी है कि कैसे हम एक इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। यूजर से हम उसको, अब हम ये भी आप लोग सोच सकते हो क्यों हम उसको ऐसे कॉलम्स में एंटर करा लो, नहीं तो अगर इसके अंदर एंटर नहीं करा सकते हैं अभी हमें क्या, क्यों, क्योंकि हमें बोला गया कि आपको इंटीजर लेना है लेकिन आपको ये चेक करना है कि उसके अंदर जीरो है कि नहीं है। तो अपना दिमाग एकदम से, दिमाग में ये चीज क्लिक होनी चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें पहले उस इंटीजर को एंटर कराकर और उस इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। कैसे हम करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे उसके अंदर हम str, दिस इज अ कीवर्ड विच इज यूज टू कन्वर्ट एनी इंटीजर वैल्यू इनटू अ स्ट्रिंग, फाइन। सो दिस str, दिस फंक्शन, दिस कीवर्ड, नॉट फंक्शन, दिस कीवर्ड इज एक्चुअली यूज टू कन्वर्ट अ इंटीजर इनटू अ स्ट्रिंग, ये आगे भी आपके काम आएगा, तो इस कीवर्ड को हम बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। आप क्या करेंगे,
हम लिखेंगे इफ जीरो इन बी, सीधे इफ करा, इफ जीरो इन बी, बी क्यों, क्योंकि हमने जो इंटीजर एंटर करा है उसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके बी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया, तो क्या प्रिंट कर रहा है, क्या वो बोल रहा है कि चेक इफ इट इज कंटेन एनी जीरो इन इट, अगर उसको जीरो मिल जाता है इस बी के अंदर तो प्रिंट कर दे कुछ भी लिख दीजिए, इफ इट कंटेन्स एनी जीरो इन इट, प्रिंट यस जीरो इज देयर, ये हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं आपको पता है, एल्स प्रिंट जीरो इज नॉट देयर, समझ में आया। अगर उसने कहा होता कि उस जीरो को भी प्रिंट कराए तो क्या करते हम, कुछ नहीं करते, यहां पे तो है ही नहीं, ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा, क्या है प्रोग्राम, एक एंटर लिखवाना है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एन इंटीजर, यूजर से इंटीजर ले और चेक करे कि क्या उस जो यूजर से यूजर ने एंटर करा है इंटीजर वैल्यू उसके अंदर जीरो है कि नहीं है, लेकिन हम इन ऑपरेटर, ये मेंबरशिप ऑपरेटर जो है इन एंड नॉट इन, वी कैन नॉट यूज ऑन इंटीजर वैल्यूज, सो व्हाट वी हैड डन, वी हैड कन्वर्टेड दैट इंटीजर वैल्यू इनटू अ स्ट्रिंग, हाउ वी यूज दिस एसटीआर, वी यूज एसटीआर कीवर्ड टू कन्वर्ट अ इंटीजर इनटू अ स्ट्रिंग, हाउ डू वी डू इट, एक वेरिएबल लिया एसटीआर जो यूजर ने एंटर करा है, इफ जीरो इन बी, इस बी के अंदर अगर जीरो है तो प्रिंट कर दे यस जीरो इज देयर, एल्स प्रिंट कर दे जीरो इज नॉट देयर, फाइन, सो ये आपका ऑपरेटर और मेंबरशिप, सॉरी स्ट्रिंग ऑपरेटर्स जिसके अंदर कॉन्कैटिनेशन रेप्लिकेशन है, मेंबरशिप ऑपरेटर इन एंड नॉट इन, क्लियर है, ठीक, कल हम लोग करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, एंड स्ट्रिंग स्लाइसिंग एंड मतलब तीन क्लासेस और मैं आपकी थ्योरी लूंगी, उसके बाद दो क्लासेस मैं आपकी इसी की स्ट्रिंग की प्रैक्टिकल लूंगी, सो दैट आपका जो एक इशू रहता है कि मैम लास्ट क्लास होती है हमारा डेटा खत्म हो जाता है, तो वो वाला इशू भी अभी मैंने कोशिश की है क्लियर करने की, फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है, दैट्स ऑल, टेक केयर, बाय बाय।